नमस्कार, आदाब। आप सभी का इस स्पेशल एपिसोड में स्वागत है। पिछले 15 सालों से मेहनत और ईमानदारी से महिंद्र पश्चिम में जो मजदूरों ने रिश्ता बनाया था, वह अब उन्हें टूटता नजर आ रहा है। लॉकडाउन के बाद सभी का मजदूरों की ओर देखने का रवैया बदल चुका है। जो मालिक उन्हें भाई कहते हुए गले लगाया करते थे, आज मजदूरों को निकामा समझकर सड़क पर छोड़ रहे हैं। ये दर्द न सहते हुए मजदूरों ने घर लौटने का फैसला कर लिया। बीती रात भाईंदर से नायगांव की ओर रेलवे ट्रैक के जरिए सभी मजदूर चल के निकले थे, मगर नायगांव में पुलिस की पैनी नज़र से बच नहीं पाए। अब वो वसीवीरा मनपा के निराधार केंद्र में आराम फरमा रहे हैं। इन मजदूरों ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए उनसे मदद की गुहार लगाई है। सी दिस स्पेशल रिपोर्ट। यह है डेली वेजेस वाले मजदूर जो भाईंदर पश्चिम में काम करते थे। लॉकडाउन ने उन्हें बेरोजगार कर दिया और मेहनत करने वाले हाथ मजबूरी में सभी के सामने फैलने लगे। मजदूरों को घर से भी बुलवाने लगा और यहाँ पर हालात बेकाबू होता देख ये सारे मजदूर रेलवे पटरी से अपने देश उत्तर प्रदेश की ओर जाने निकले, मगर दुर्भाग्य से रेलवे पुलिस के शिकंजे में आ गए। अब निराधार केंद्र में दिन बिता रहे हैं, मगर अपनों की याद उन्हें बेचैन कर रही है। सर, हमने पहले जब ही लॉकडाउन चालू हुआ तभी से हम लोग एक महीना इंतजार किया। उसके बाद में हम लोग सोचे कि इतना दिन हो गया, अब नहीं रह पाएंगे, पैसा वैसा नहीं है, खाने के लिए हम भी मजबूर हो गए। इसीलिए हम लोग सोचे कि अब अपने हाथ से पैदल से चल के यहाँ से मुसीबत, अच्छा तो हम लोग घर ही पे जेले मरेंगे, उधर ही मरेंगे। इसीलिए सर हम लोग अपने आप हाथ पाँव से निकल गए वहाँ। कितने दिन में पहुँचने का आपका अनुमान? सर जो लगता 20-25 दिन चलते। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव निषाद। निषाद साहब, क्या बोलेंगे आपकी सरकार को? मैं बस योगी जी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली से हर जगह से बस भेज रहे हैं, पब्लिक को बुला रहे हैं, वैसे हम लोग को भी बुला लिए थे और यहाँ हम लोग बहुत परेशान हैं। खाने के लिए, रहने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं। हम यहाँ भी ऐसे ही मर रहे हैं, रास्ते में पैदल निकले थे, पहुँच पाते नहीं, तो जैसे यहाँ भूखा मर रहे तो ऐसे रास्ते में भूखा मरते, और क्या होता, कोई हेल्प करता, खा पी लेते। हम ज़्यादा बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि योगी जी हम लोग को बुलवा लीजिए, और क्या बोले अब। जी सर, मेरा मोहन विश्वकर्मा नाम है। क्या बोलेंगे आप सर? जी सर, हम यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार अगर हमें खाना भी दे रही है, मतलब हर सुविधा भी दे रही है, तो भी वो सबसे सुविधा लेकर हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम अगर अकेला एक कमाने वाले हैं तो हमारे पीछे 4-5 खाने वाले रहते हैं। अगर हमें ये सबका जरूरत नहीं पड़ता तो हम यहाँ आते ही नहीं। और दूसरी बात तो यह है, घर पे बीवी बच्चे माँ बहन हर किसी को छोड़ कर यहाँ आते हैं, इसके वजह से हमें और ज़्यादा परेशानियाँ झेलना पड़ता है। हम यहाँ अगर खा के खुश भी रहेंगे तो हमारे बीवी बच्चे सब भूखे मरेंगे। इसके वजह से हम अगर गांव भी अगर जाते हैं, यही मजबूरी की वजह से हम अपना कदम उठा रहे हैं। अगर हम गाँव पहुँचेंगे, वहाँ अपना कुछ भी अपना खेती करेंगे, कुछ भी करेंगे, कहीं मजदूरी भी करेंगे, तो अपने बच्चों को हम अच्छे तरीके से पाल सकते हैं, कम से कम उसका पेट तो भर सकते हैं। यही एक वजह है, इसके लिए हम सबको जाने दीजिए।